सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले यार आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेरी ये जो वीडियो होने वाली है वो साल की पहली वीडियो होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको जो है 15 ऐसे ऐप्स बताने वाला हूँ जिसको आपको जो है 2018 में जो है यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला ऐप जो है हमारे पास वो है ट्रेंडीज। तो बेसिकली ट्रेंडीज जो है एक ऐप है जिसमें जो है आपको जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपको स्टोरीज बताएगा और नए नए जो पोस्ट वगैरह जो आते हैं उसके बारे में बताएगा, जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं बेसिकली उसके बारे में बताएगा। तो काफ़ी अच्छा एक ऐप है जिसमें आपको जो है बेसिकली हर एक पूरे वर्ल्ड में जो भी चल रहा है लेटेस्ट उसकी खबर जो है एक ही ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगला जो ऐप है वो है हमारा एनिमेटर। एनिमेटर ऐप जो है ये आता है पिक्सार्ट की तरफ से। तो इसमें क्या बेसिकली आप जो है 2D एनिमेशन टाइप आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो जैसे ही ऐप ओपन होगा यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे खुल के आ जाएंगी जिसमें आप जो है जैसे कि बाउंसिंग बॉल है, तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। बाउंसिंग बॉल आपको जो है यहाँ पे बना बनाया एनिमेशन है, उसके बाद जो है अगर नीचे आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक वॉकिंग मैन मिल जाएगा, फ्रंट वॉकिंग मैन मिल जाएगा, एक चिड़िया मिल रही है, तो इसी टाइप के कुछ अलग अलग आपको मिलेंगे। तो जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो वो सीन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। सीन के अंदर इंक्लूड होने के बाद आप जो है उसको इनलार्ज कर सकते हैं इस तरीके से, पिंच टू जूम और पिंच टू जूम आउट इस तरीके से करके। और फिर अगर ऊपर यहाँ पे लेयरिंग में करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है अपने सीन में। जैसे कि मैं एक बर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, 2-3 बर्ड डाल देता हूँ और उनकी पोजीशन जो है ट्रैक कर देता हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक वॉकिंग मैन है, फिर एक बर्ड है, फिर एक और बर्ड है। ये एक एनिमेशन हो गया, उसके बाद इसको टिक कर दिया मैंने। तो अब ये जो है इसको जो है ये वीडियो जो है सेव हो गया। अब मैं इसको गिफ्ट फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, वीडियो फॉर्मेट में भी कर सकता हूँ। तो आपको जो यहाँ पे रेड वाला जो डाउनलोड का दिख रहा है आप यहाँ से ये कर सकते हैं, बाकी फेसबुक वगैरह पे शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। अगला जो ऐप है हमारा वो है यूट्यूब गो। बेसिकली ये यूट्यूब लाइट वर्जन है, तो इसमें जो है आपका डाटा वाटा कम रहेगा। तो UI जो है बहुत ही सिंपल सा UI है इसका यूट्यूब गो का, और काफ़ी कम डाटा लेता है। तो और आप जो है इसमें आप क्वालिटी आप जैसे कि देखते कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आपको जो है उसकी क्वालिटी और उसके बारे वो बता देगा, तो आप उसे प्ले भी कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये ऐप भी काफ़ी अच्छा है आपको डाटा वाटा बचाने के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऐप आता है वो आता है हॉटस्टार। हॉटस्टार बेसिकली जो है इस पर जो है आप जो है TV शो वगैरह देख सकते हैं, मैचेस वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए ऐप ओपन होते ही काफ़ी अच्छा सा UI है इसका। तो इसमें जो है टेड टॉक्स वगैरह जो है लेटेस्ट चल रहा है वो, उसके बाद टॉपिक्स फॉर यू, ये जो है रियलिटी शोज वगैरह देख सकते हैं, इंडियन रियलिटी शोज और मूवीज़ वगैरह जो है इस पर देख सकते हैं आप। तो शोज़ वगैरह देखने के लिए बोर वोर हो रहे हैं तो आप ये ऐप जो है यूज़ कर सकते हैं हॉटस्टार। अगला जो ऐप आता है वो आता है Airtel TV। Airtel TV जो बेसिकली हमारा Airtel जो है उन्होंने अभी अभी अपना जो है Airtel का नया ऐप जो है उन्होंने रीडिज़ाइन किया, दोबारा से बनाया और काफ़ी सारे जो है 6 महीने तक सारे शोज जो है फ्री कर दिए हैं। काफ़ी सारे चैनल इन्होंने ऐड किए हैं इस बार और काफ़ी इम्प्रूव किया है इस ऐप को। तो आप जो है इस TV को आराम से अगले 6 महीने तक देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी मतलब चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप तो Jio TV से बेटर है इन दी एंड ये कह सकता हूँ मैं, और काफ़ी चैनल्स हैं इसमें अब वो सारे देख सकते हैं इसमें। अगला जो ऐप है वो एक छोटा सा गेम है, मोनोगोल्फ गेम है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल है कि आपको इस तरीके से ड्रैग करना है और ये बॉल जो है इसके अंदर चली जाएगी। एक बार मैं इसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ, काफ़ी अच्छा सा साउंड है। तो काफ़ी सिंपल सा गेम है, इस गेम को भी आप ट्राई कर सकते हैं, नया गेम है अभी अभी आया है 2018 में। तो आप ये ऐप ट्राई करना चाहते हो तो इस ऐप को भी ट्राई कर सकते हैं आराम से। तो अगला जो ऐप है हमारा वो है एनिमैक्स वॉलपेपर। तो एनिमैक्स वॉलपेपर बेसिकली ये एक वॉलपेपर ऐप है जिसमें आपको जो है एनिमी जो भी एनिमे वॉलपेपर्स हैं वो लेटेस्ट वो सारे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। अगला जो ऐप है वो है हमारा वॉली। तो वॉली भी जो है एक वॉलपेपर बेस्ड ऐप है, इसमें जो है आपको जो है लोगों द्वारा डाले गए फोटोज जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, तो इसमें देख सकते हैं कि लेटेस्ट में क्या चल रहा है, जैसे कि हैरी पॉटर के वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे, पॉकीमोन है, हंग्री है, विंटर है, ऑटम है, एनिमी है, रिलैक्सिंग है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वॉलपेपर है और काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी वेक्टर बेस्ड वॉलपेपर हैं ये।
क्रिएटिव वॉलपेपर है सारे, तो यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे ये अगला जो ऐप है हमारा वो है गूगल प्रीमर। गूगल प्रीमर बेसिकली एक एजुकेशनल ऐप है जिसमें आपको जो है बिजनेस रिलेटेड और मार्केटिंग स्किल्स जो अगर आपको इम्प्रूव करनी है या उसके बारे में पढ़ना है तो उसके रिलेटेड ये ऐप है। तो अगर 5-5 मिनट में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप कम टाइम में आप सीखना चाहते हैं तो ये मोस्टली जो है बिजनेस पीपल और बिजनेस रिलेटेड और मार्केटिंग रिलेटेड जो है आपको जो है ये ऐप देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो अगला जो ऐप है हमारा वो है रोपोसो। ये बेसिकली एक सोशल मीडिया ऐप है जो कि इंडिया ने निकाला है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे जैसे ही ऐप ओपन होगा तो आपको जो है और ऑटोमेटिकली पहले तो अपना अपना अकाउंट जो है सेट करना पड़ेगा। अपना अकाउंट सेट कर लेने के बाद अगर आप अपना अकाउंट सेट कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपको चैनल्स मिल जाएंगे अलग अलग। तो ये जो है सोशल मीडिया ऐप है इंडियंस ने बनाया और काफ़ी अलग अलग चैनल है। जैसे फिल्मों के बारे में आपको देखना तो फिल्मिस्तान में चले जाइए, फिल्मों के यहाँ पे जो है जोक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे या जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा होगा उसको वो सारा कुछ आ जाएगा। तो इस ऐप को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अगर बोर हो रहे हैं तो इस ऐप को आराम से ट्राई कर सकते हैं। अगला जो ऐप है वो हमारा है तेज़, और इस ऐप के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे पिन वगैरह अपना जो है सेटअप वेटअप करना होगा। तो बेसिकली ये ऐप जो है मनी सेंड वगैरह करने के लिए होता है। तो आप जो है सिंपल आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं वो सारे कुछ जो आ जाएंगे। तो और इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है मनी जो है जो रिसीवर जो होगा रिसीवर के जो है सीधा अकाउंट में भेज सकते हैं। जैसे कि अगर आपको भेजना है तो इस पे कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं अपने आजू बाजू में। अगर उसके सामने वाले के पास तेज़ है तो आपको जो है मनी आराम से आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेज सकता है। तो ये ऐप जो है काफ़ी चल रहा है, पेटीएम से काफ़ी कह सकते हैं एक टाइप से बेटर है क्योंकि पेटीएम जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस लेता है आपको आपके अकाउंट में डालने का, बट ये जो है विदाउट एनी ट्रांजैक्शन आपके सीधा बैंक अकाउंट में डाल देता है पैसे। और काफ़ी सारे कुछ इसमें चलता रहता है, जैसे रिवॉर्ड्स वगैरह में अगर आप जाएंगे तो रिवॉर्ड्स में जो है आपको यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ जीते हैं, जब भी आप मतलब सेंड करते हैं मनी किसी को तो उस पे जो है आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये कुछ है जैसे कि ऑफर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 150 लिखा हुआ है आपको पे करना है, और उसके बाद जो है आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। आप दोनों लोगों को जो आप भेज रहे हैं जो भेज रहा है और जिसको मिल रहा है दोनों को स्क्रैच कार्ड मिलेगा। स्क्रैच करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ प्राइज मनी मिल सकता है। तो ये सीधा आपके जो है बैंक अकाउंट में जाते हैं, ये इसके कोई वॉलेट नहीं है तो उसके वॉलेट में नहीं जाते, सीधा बैंक अकाउंट में। काफ़ी सिंपल सा यूआई है, काफ़ी बेसिक सा यूआई है और काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी सही है जो है मनी ट्रांसफर करने के लिए जो है आप इस ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला जो ऐप है वो है हमारा क्लाउड गेम्स। बेसिकली ये ऐप जो है ये एक ऐसा ऐप है जिससे आप पीसी के गेम्स जो है मोबाइल में खेल सकते हैं। तो जब मैंने सुना कि ये मतलब ऐप ऐसा करता है कि मतलब पीसी के गेम्स जो है मोबाइल में अगर हम खेल सकते हैं तो मैं सोचा GTA 5 खेलते हैं। इसमें जो है मतलब कि जो डाटा जब मैंने रन किया इसमें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से UI लोड होके आता है। काफ़ी हैवी ऐप लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, 4GB रैम है मोबाइल की बट फिर भी स्मूथली नहीं काम करता। तो ये देख लीजिए ये ऐप होने के बाद UI वगैरह कुछ इस तरीके से आता है इसका। और यहाँ पे आप जैसे कि गेम्स देख सकते हैं, माफिया 3 है, फॉलआउट 4 है, मेटल गियर 5 है, स्लीपिंग डॉग्स है, डेड राइजिंग 3 है। तो ये सारे गेम्स हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट पे, ऑन सेल और फ्री फॉर लिमिटेड टाइम, ये सारे कुछ मतलब इनके अलग अलग कैटेगरी है। तो मैंने इस ऐप को ट्राई किया पहले, तो इस ऐप को ट्राई करने के बाद मैंने सोचा कुछ गेम्स खेले जाए। तो मैंने जब गेम पे गया और लोड किया तो कसम से बता रहा हूँ बहुत टाइम लिया इसने सर्वर पे रन करने के लिए। मैंने फॉलआउट 4 खेला जो कि बिल्कुल ही स्मूथ नहीं था, हालांकि गेम लोड हो गया किसी तरह। पहले उससे पहले मैं ट्राई कर रहा था कि स्लीपिंग डॉग्स खेलूं बट सर्वर नहीं मिल पा रहा था या बहुत स्लो कनेक्शन था, मतलब 4G होने के बाद भी मतलब ये चल नहीं पा रहा था। तो मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ कि आपको दिखा दूँ कि ये गेम जो है चलता कैसे। तो आप जो है गेम सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं फॉलआउट 4 एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि पहले ये लोड हो गया था। और इसके बाद स्टार्ट गेम कर दीजिए, आपको कुछ प्रॉम्प्ट में आएगा लिखा हुआ जो कि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, और मेरे को ये भी नहीं पता कि इसका लैंग्वेज कैसे चेंज करना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है इस गेम को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया ज्वाइन द क्यू सक्सेस, जैसे ये देखिए यहाँ पे मेरा गेम इज़ रेडी आ गया है और मुझे गेम स्टार्ट करना है 20 सेकंड के अंदर अंदर वरना सर्वर चला जाएगा और ये जो है लोडिंग फेज में चला जाता है। तो पहले क्या होता था कि पहले जब मैंने स्लीपिंग डॉग्स का किया था तो स्लीपिंग डॉग्स का यहाँ तक आया था, उसके बाद इसी के लूप में अटक गया था, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि यू कैन ट्राई फॉर 23 मिनट्स लॉन्ग प्रेस स्टार्ट बटन टू बाय टाइम। मेरे को टाइम भी खरीद सकता हूँ मैं इसमें और गेम भी खरीद सकता हूँ।
तो 23 मिनट्स इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि मैं पहले खेल चुका हूँ 7 मिनट। और ये देखिए यहाँ पे ये लास्ट में जो है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मतलब कि गेम जो है लोड हो गया है, अब मैं इसको खेल सकता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो है Fallout 4 जो है खेल रहा हूँ अभी, तो फिलहाल एंट्री वगैरह आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मेरे कंट्रोल्स आ गए हैं, ऑन स्क्रीन कंट्रोल आ गए हैं। तो मैं देखता हूँ कि अगर इसे मैं स्किप कर पाऊँ, तो गेम अभी लोड ही हो रहा है और लोडिंग में काफ़ी टाइम लगा रहा है, क्योंकि अगर आपका जो है नेटवर्क काफ़ी सही होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा, तभी आप जो है इस पे गेम खेल पाएंगे। तो बट ये क्लाउड गेमिंग के लिए जो है सही है, मतलब नया नया आया है और काफ़ी सही चल रहा है मार्केट में। तो ये देखिए गेम जो है किसी तरह स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ये अच्छी बात है कि हम मोबाइल की मतलब PC गेम्स जो है यहाँ पे खेल सकते हैं। बट GTA 5 मेरे को फिर भी नहीं दिखा, तो वो बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। GTA 5 होना चाहिए था। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपकी किस तरीके से दिख रहा है, ये ग्राफिक्स तो मतलब काफ़ी अच्छे ही दिख रहे हैं मेरे को, हालांकि पिक्सेलेटेड थोड़े हो रहे हैं बट ग्राफिक तो अच्छे दिख रहे हैं। Fallout 4 एक्चुअली मैंने यहाँ पे PC में खेला नहीं है, तो मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है कि गेम कौन सा है ये। मतलब Fallout 4 ही है ऑब्वियसली, बट मुझे नहीं पता स्टार्टिंग वगैरह का क्या सीन है इसमें और कैसे खेला जाता है इसको। मैं कंट्रोल्स पे ट्राई कर रहा हूँ बट उतना हो नहीं पा रहा ये एक्चुअली। क्या कह रहा है भाई? चलो आपने देख तो लिया ही है कि गेम खेल सकते हैं इस पे, तो मतलब आप खेल लीजिएगा इसको ट्राई करके। तो अगला जो ऐप आता है वो आता है हमारा फाइल्स गो। तो फाइल्स गो जो है गूगल की तरफ से एक नया ऐप आया है, जिसमें जो है आपको आपके मतलब फाइल मैनेजर टाइप समझ लिए, फाइल मैनेजर ही है ये। तो वो जैसे ही ऐप ओपन होता है, तो सबसे पहले आपको जो है जितनी भी स्टोरेज है उसमें जितना यूज़ हुआ है और कितना फ्री बचा है वो बता, जितना भी यूज़ हुआ है वो बता देता है। तो ये देखिए मेरा जो है 64 GB है, तो जिसमें से अराउंड 40 GB मैंने यूज़ कर लिया है। तो काफ़ी सिंपल सा इसका मतलब इंटरफेस है और काफ़ी लाइट वगैरह है, लाइट वेट है, ज़्यादा इसमें फैंसी वैंसी कुछ डिज़ाइन वगैरह नहीं है, बेसिक्स है। तो आप यहाँ पे जो है तो काफ़ी अच्छा फाइल मैनेजर है। अगला जो ऐप है हमारा वो है डाटाली। तो डाटाली जो है ये हम लेटेस्ट ऐप आया है गूगल की तरफ से ही। तो इसमें आप जो है अपना डाटा को जो है मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे ही ऐप ओपन हुआ है यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि मैंने जो है 243 MB जो है यूज़ कर लिया है अभी अभी। और यहाँ पे अगर डाटा यूसेज हाईलाइट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा मैंने किसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। तो जियो म्यूज़िक जो है 49 MB मैंने यूज़ किया है, रोपोसो जो है 38 MB यूज़ किया है, गूगल प्ले जो है आपको पूरा मतलब डाटा एनालिसिस करके बताता है। उसके बाद आप जो अगर वाईफाई फाइंड करना चाहेंगे तो आपको जो है लोकेशन एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है जैसे ये वाईफाई आपके एरिया का बता देगा, आप यहाँ से गेट डायरेक्शन जा करके ये भी पता कर पाएंगे कि उस वाईफाई की लोकेशन क्या है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। जैसे कि यहाँ पर मैं डायरेक्शन पर क्लिक करूँ तो ये देखिए इतनी दूरी पर जो है एक वाईफाई है। तो मैं यहाँ से चल करके जा करके वहाँ पे वाईफाई यूज़ कर सकता हूँ अगर वो ओपन है, जिसमें लॉक वगैरह नहीं लगे, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड वगैरह लगा है और यहाँ पे लाइक और डिसलाइक भी है इस पर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और अपने डाटा को आप मैनेज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कितना आपने यूज़ करना है, डाटा सेवर कंट्रोल वगैरह जो है आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। हमारा आखिरी ऐप जो है वो है क्विक। ये GoPro की तरफ से एक वीडियो एडिटिंग ऐप है, जो कि बहुत इजीली और बहुत फास्ट जो है आपको मतलब वीडियो बना करके दे देगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो वीडियोस होंगी वो एक स्टोरी स्टाइल में होंगी, मतलब कि आप 30 सेकंड तक की वीडियो जो है बहुत इजीली, AI बेस्ड वीडियो एडिटिंग ऐप है ये। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस तरीके से टिक कर दिया, उसके बाद इंट्रो टाइटल जो है मैंने वीडियो दे देता हूँ इसको, तो मैंने वीडियो दे दिया, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद जो है ये जो ऐप है वो अपने हिसाब से वीडियो को जो है एडिट कर देगा, मतलब अपने हिसाब से म्यूज़िक डाल देगा, अपने हिसाब से उसके मतलब ट्रांजिशन डाल देगा, और अपने हिसाब से ही ये इफ़ेक्ट्स वगैरह भी जो ऐड कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जैसे ही इमेज सेलेक्ट किया, इमेज सेलेक्ट करने के बाद जो है इसने अपने आप ही वीडियो बना दिया, ये देखिए।
तो दोस्तों ये कुछ 15 ऐप थे जो मुझे लगे कि आपको यूज़ करने चाहिए 2018 में। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। और जिन जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी कूल वीडियोज़ अब आने वाली हैं इसी और भी ऐप्स के वगैरह के बारे में बताऊंगा, गेम्स वगैरह के बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।